Good day and welcome to Sheikh Academy, everyone. Hope you all are doing well. In this video, we will be studying lesson 3.2 of the third unit. Okay, students, open your English textbook to page 51. The name of the lesson is Seven Sisters. Let's start. Hello, everyone. Have you guessed who we are? We are the Seven Sisters of Northeast India, still unexplored, isolated territories to most of you and to the rest of the world. Our sister Sikkim lies to the north, but we seven sisters are contagious to each other. We are famous for our natural beauty, lush forests and wild animals as well as our colorful costumes, traditional jewelry, exotic flowers and our own unique dance and music. Nature lovers have designated our whole area as one of the world's biodiversity hotspots. Now we will introduce ourselves one by one. सो लेसन के इंट्रोडक्शन में सेवन सिस्टर्स क्या बोल रहे हैं हेलो एवरीवन क्या आप गेस कर सकते कि हम कौन हैं हम एक्चुअली सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टिल अनएक्सप्लोर्ड आइसोलेटेड टेरिटरीज टू मोस्ट ऑफ़ यू एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब अनएक्सप्लोर्ड आइसोलेटेड टेरिटरीज क्या होता है इट इज़ अ प्लेस व पीपल हैव नॉट बीन टू फाइंड आउट वॉट इज देयर तो हम इंडिया के वो प्लेस से हैं ये सेवन सिस्टर्स बोल रहे हैं कि हम इंडिया के वो प्लेस से हैं जिसे लोगों ने विज़िट ही नहीं किया है एक्सप्लोर नहीं किया है जानते ही नहीं है हमारे बारे में अब ये कौन लोग हैं हम लोग भी और बाकी के दुनिया वाले भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी सिस्टर जो सिक्किम से है वो नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है पर हम जो सेवन सिस्टर्स हैं हम एक दूसरे से अपनी स्टेट की बॉर्डर्स शेयर करते हैं कंटीज़स मीन्स शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर तो हम सिस्टर्स आपस में नेबर्स हैं और अपनी बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अब सेवन सिस्टर्स बोल रहे कि हम फेमस है ब्यूटिफुल नेचर के लिए रिच एंड डेंस फॉरेस्ट फुल ऑफ ग्रीनरी लश मीन्स जो घने फॉरेस्ट होते पूरी ग्रीनरी से भरे हुए उसे लश फॉरेस्ट बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड हमारे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के लिए कॉस्ट्यूम्स क्या होता है अ सेट ऑफ क्लोथ्स इन अ स्टाइल ऑफ़ अ पर्टिकुलर प्लेस तो एक पर्टिकुलर प्लेस का एक स्पेसिफिक क्लोथिंग होती है तो उसे कॉस्ट्यूम बोलते हैं तो उनके कॉस्ट्यूम्स कलरफुल होते हैं तो उसके लिए फेमस है वो हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए वहाँ के ट्रेडिशन में जो ज्वेलरी वेयर करते हैं उस प्लेस पे उसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी बोलते हैं एग्जॉटिक फ्लावर्स एग्जॉटिक फ्लायर्स क्या होते हैं हैविंग नॉन नेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो जो प्लेस पे उगे हैं वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कोई दूसरे जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो फ्लावर्स है वहाँ पर वो फ्लावर्स ग्रो किए हैं तो उसे एग्जॉटिक फ्लावर्स बोलते हैं हमारे यहाँ के खुद के डांस फॉर्म हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले तो बीहू है बगुरुम्बा एक्सेट्रा एज वेल एज म्यूजिक भी फेमस है यहाँ की जिन्हें नेचर पसंद है एनिमल्स बर्ड्स और प्लांट्स को ऑब्जर्व करना पसंद है उसे नेचर लवर बोलते हैं उन्होंने हमारे एरिया को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो होते हैं उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं हॉटस्पॉट क्या है ऐसी प्लेस जो बहुत इंटरेस्ट लाने वाली होती है तो उसे हॉटस्पॉट कहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोला गया है मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के स्पीशीज दिखते हैं तो उन सेवन सिस्टर्स को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का खिताब दिया गया है डेजिग्नेट किया गया डेजिग्नेट मीन्स किसी को अपॉइंट करना तो ये सेवन सिस्टर्स के प्लेस को नेचर लवर्स ने वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का खिताब दिया है उसे अपॉइंट किया है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है चलो तो अब हम खुद वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बारे में अ फर्स्ट सिस्टर अब फर्स्ट सिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश लेट्स रीड हाय दे कॉल मी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन द लैंड ऑफ द डॉन लेट्स आई एम अरुणाचल प्रदेश माई पीपल आर सिंपल एंड हॉस्पिटेबल दे बिलोंग टू मेनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज हाय मुझे लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सन मेरे यहाँ उगता है मैं अरुणाचल प्रदेश हूँ मेरे यहाँ के लोग सिंपल एंड हॉस्पिटेबल हैं अब हॉस्पिटेबल क्या होता है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट तो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो भी विजिटर्स या टूरिस्ट या गेस्ट आते हैं वहाँ के जगह को एक्सप्लोर करने के लिए उन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं उन लोगों को उन लोगों के साथ बहुत वेलकमिंग होते हैं बहुत अच्छे तरह से पेश आते हैं उन लोगों के साथ यहाँ के लोग अलग अलग ट्राइब को बिलोंग करते हैं अब ट्राइब क्या होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम काइंड तो सेम काइंड के लोग छोटे छोटे ग्रुप बना करके रहते हैं उन्हें ट्राइब बोलते हैं और अपने अपने ट्राइब के पीपल लोग अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं द डाइट इज लार्जली मेड अप ऑफ राइस विथ फिश मीट एंड मेनी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अ पॉपुलर डिश इज़ मोमोज विच इज़ स्टीम्ड बानस विथ मीट और वेजिटेबल स्टफिंग यहाँ के लोगों की डाइट बेसिकली राइस जो चावल होता है किसके साथ फिश या मीट या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स उसके साथ एंड अरुणाचल प्रदेश के यहाँ का पॉपुलर डिश क्या है मोमोज है जो एक्चुअली स्टीम्ड डंपलिंग होते हैं ना उसे मोमोज कहते हैं आई एम नेचर लवर्स हेवेन माई लैंड स्पॉटेड विथ मोनेस ट्रीज लश ग्रीन फॉरेस्ट लेक्स वाटर फॉल्स एंड डीप रिवर वैलीज इन माई लाइम स्टोन केवस ऑल्सो नोन एज टपिनू एंड फॉरेस्ट रिजर्व यू विल फाइंड अ ग्रेट वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मैं नेचर लवर्स के लिए एक हीवन हूँ मेरे यहाँ आपको मोनास्ट्रीज अब मोनास्ट्रीज क्या होता है बिल्डिंग्स वे मिनी मॉन्क्स लिव टुगेदर तो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स एक साथ रहते हैं उसे मोनास्ट्रीज कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मोनास्ट्रीज देखने मिलेंगी रिच फॉरेस्ट देखने मिलेंगे लेक्स देखने मिलेंगी वाटरफॉल्स देखने मिलेंगी और डीप वैलीज दिखेंगी आपको वहाँ पर अभी सिस्टर हमें बता रही है कि हमारे यहाँ के लाइमस्टोन केव्स में जिसे तपिनू भी कहा जाता है एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स में आपको बहुत टाइप की वाइल्ड लाइफ देखने मिलेंगी फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है ऐसी फॉरेस्ट जिसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है वहां के एनिमल्स हो या ट्रीज हो प्लांट्स हो श्रब्स हो जो भी चीजें हैं उसे कंजर्व रखने के लिए एंड रिसर्चर्स वहां जाकर के उनके ऊपर स्टडी करते तो हम ऐसे जगह पे कोई भी प्लांट्स को कट नहीं कर सकते हैं कोई भी फ्लास्क प्लग नहीं कर सकते कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते ऐसे फॉरेस्ट को ठीक है यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द फोर हंड्रेड ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट तवांग And enjoy cultural festivals at zero. Don't miss the Namdapha Tiger Project. You are also welcome to many wildlife sanctuaries and national parks where you may see rare animals, birds and plants. I am also home to India's first orchid sanctuary. अगर आप विजिट करते हो अरुणाचल प्रदेश, तो आप 400 years old, 400 साल पुरानी बौद्धिक मनास्टेरी जो तवांग में लोकेटेड है, वहां पे जरूर विजिट करिएगा। एंड यहाँ के जीरो के कल्चरल फेस्टिवल्स जो होते हैं उसे तो बिल्कुल मिस मत करिएगा और इंजॉय करिएगा नम दफा टाइगर प्रोजेक्ट को तो बिल्कुल ही मिस मत करिएगा आप हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में भी आना जहां पे आपको बहुत सारे रेयरली दिखने वाले एनिमल्स और बर्ड्स देखने मिलेंगी अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्कस में ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स आप देख सकते हैं मोस्टली जो रेयरली हमें दिखते हैं कभी कभार ही दिखते होंगे तो उन्हें वहां पे कंजर्व करके रखा जाता है या तो उनके पास स्टडी करने के लिए या तो उनको बचाने के लिए कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए इसलिए उसे अलग से जगह पे कंजर्व करके रखा जाता है अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी भी है ऑर्चिड सेंचुरी अगेन एक नेचर्स रिजर्व है द नेक्स्ट सिस्टर इज असैम लेट्स रीड फ्रेंड्स आई एम असैम ऑल्सो नोन एज अहोम You will find my land between the beautiful valleys of the Brahmaputra and Barak rivers they call me the gateway to the seven sisters dosto me assam and main ahom ke naam se आप मुझे ब्रह्मपुत्र और बरक रिवर्स की खूबसूरत वैलीज में फाइंड करोगे अब वैलीज क्या होती है दो हिल्स या दो माउंटेन्स के बीच में जो डीप लैंड होती है जहां पे एक हिल खत्म होती है और दूसरी हिल शुरू होती है दोनों के बीच में डीप सी लैंड होती है या डीप सी जगह होती है उसे वैली बोलते हैं जहाँ पे रिवर्स मोस्टली फ्लो करती है तो ये सिस्टर कह रही है कि आप मुझे ब्रह्मपुत्र और बरक रिवर्स की खूबसूरत वैलीज में फाइंड करोगे असम वहां पे लोकेटेड है लोग तो मुझे सेवन सिस्टर्स का एंट्रेंस भी कहते हैं जो गेटवे है जहाँ से हम कोई भी जगह पे एंटर करते हैं तो गेटवे टू द सेवन सिस्टर्स कहते हैं माय पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल इफ यू कम यर यू कैन एंजॉय द क्यूजीन व्हिच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव अरोमास एंड फ्लेवर्स आई एम नोन फॉर माय आर्टिस्टिक हेरिटेज, एक्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल्स हमारे यहाँ के लोग तो बहुत फ्रेंडली है अगर आप हमारे यहाँ विजिट करोगे तो, तो आप हमारा क्यूजीन इंजॉय करोगे क्यूजीन क्या होता है अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस तो एक पर्टिकुलर प्लेस का जो भी कुकिंग मेथड या कुकिंग स्टाइल होता है उसे उस जगह का क्यूजीन बोलते हैं तो आप अगर असैम विजिट करते हो तो आप हमारे यहाँ का क्यूजीन बहुत ज़्यादा पसंद करोगे जिसके अंदर एक डिस्टिंक्टिव अरोमा एंड फ्लेवर होता है डिस्टिंक्टिव क्या होता है अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट अरोमा ऐसे खाने के अंदर एक अलग ही तरह की खुशबू आती है और अलग तरह का फ्लेवर है खाने में यहाँ के आई एम नोन फॉर माई आर्टिस्टिक हेरिटेज एग्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल्स तो आसान किसके लिए जाने जाता है आर्टिस्टिक हेरिटेज हेरिटेज क्या है ऐसे पुराने ज़माने की जो मॉन्यूमेंट्स है या आर्ट्स है या कोई भी चीज़ है जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता है लोगों को उसे विजिट करके उसके बारे में देख करके उससे जानने के लिए तो उसे आर्टिस्टिक हेरिटेज बोलते हैं अब असम अपने एक्सोटिक डांस फॉर्म एक अलग तरह का जो डांस फॉर्म है असम का उसके लिए भी जाना जाता है और एलिगेंट टेम्पल्स अट्रैक्टिव टेम्पल्स के लिए भी असम जाना जाता है द रिवर्स एंड शोर दैट माई टेरिटरी इज लाश एंड फर्टाइल विथ वेटलैंड ऑर्चर्ड्स टी एस्टेट्स एंड सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनस नेशनल पार्क आ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माई पिक्चरिस्क लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप्ड टी एस्टेट्स इज ऑसम टू बीहोल्ड एंड यू नो एसैम टी इज वर्ल्ड फेमस असैम सिस्टर कह रही है कि जिन रिवर्स के वहां वो लोकेट करती है वहां के रिवर्स मेक श्योर करते हैं कि यहाँ की लैंड हमेशा रिच रहे और फर्टाइल रहे बहुत सारे प्लांट्स के साथ किसके साथ वेटलैंड ऑर्चर्ड टी एस्टेट्स एंड सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क वेटलैंड क्या होता है जो पानी के आस जो पेड़ उगते हैं वेटलैंड वो होते हैं ऑर्चर्ड्स बहुत सारे ट्रीज टी एस्टेट्स टी प्लांटेशन जो है और सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क फॉरेस्ट एंड के साथ ये ब्यूटिफुलश करते कि यहाँ के प्लेस पूरी हरी भरी रहे कजीरंगा नेशनल पार्क और मनस नेशनल पार्क वर्ल्ड के हेरिटेज साइट है जहाँ पे लोग आकर के विजिट करके इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं मेरे पिक्चर पिक्चर क्या होता है जो अट्रैक्टिव होता है तो यहाँ के अट्रैक्टिव सीनरी किसके चावल के खेतों के ट्री प्लांटेशन की सीनरी देखने लायक होती है एंड आई होप कि आपको पता होगा कि असम वर्ल्ड में टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है द ब्रह्मपुत्र इज असाम्स लाइफ लाइन द लैंड इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल लाइम स्टोन एंड अदर माइनर मिनरल्स ब्रह्मपुत्र रिवर तो आसाम स्टेट की लाइफ है जिसपे पूरा असम का स्टेट डिपेंडेंट है अब असाम स्टेट में आपको पेट्रोल देखने मिलेगी नेचुरल गैस कोल लाइम स्टाइन और अलग अलग तरह के कई मिनरल्स जो अबंडेंटली भरपूर तरह से मिलता है वहाँ पे माई हैंड वोविन सिल्क्स आर एक्सक्विजिट विथ नेचुरल कलर्स एंड डिजाइंस दे से अवर वीमेन वीव फेरी टेल्स ऑन द लूम्स असम्स सिल्क फैब्रिक्स एरी मुगा एंड पैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर सिल्क्स इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन तो हमारे यहाँ के हाथ से वीव किए हुए कपड़े जो है काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं जो नेचुरल कलर्स एंड डिज़ाइन से बनते हैं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो विमेन जो वीव करती हैं कपड़े वो लोग कपड़े वीव करते करते ऐसी डिज़ाइन और ऐसे कलर्स इस्तेमाल करती कि मानो पूरी फेरी टेल लिख दी हो पूरी एक कहानी लिख दी हो उस पर इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल होती है वो तो असम के सिल्क के धागे एरी मुगा और पैट यहाँ के फेमस सिल्क थ्रेड्स है जो दुनिया भर में मशहूर है तो दुनिया भर में जहां भी फैशन के कपड़े बनते हैं वहां पे सिल्क के बाद असम के ये धागे बहुत ज्यादा फेमस है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ये धागे कौन से धागे एरी मुगा एंड पैट आई एम ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फेयरस एंड फेस्टिवल्स द मेजर फेस्टिवल ऑफ असाम इज बिहू आसाम स्टेट मेले एंड त्यौहारों के लिए जाना जाता है असम का मेजर फेस्टिवल क्या है बीहू है जो हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है एंड बैम्बू आर द इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ माय लाइफ एज सोवेनियर्स यू कैन टेक द जप्पी ट्रेडिशनल सनशेड एंड मास्क डोंट फर्गेट टू विजिट द अहोम पैलेसेस केन और बैम्बू तो हमारे लाइफ के गहरे साथी है इनसेपरेबल मीन अनेबल टू बी सेपरेटेड तो हमारे एकदम गहरे साथी हैं ये लोग अगर आप यहां पे विजिट करते हो और यहाँ की कोई भी चीज़ अपने याद के लिए लेके जाना चाहते हो तो वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप जब पी लेकर के जाए यहाँ से जब भी क्या होता है एक ट्रेडिशनल सनशेड होता है एक क्रॉनिकल हैट होती है तो वो जरूर लेना एंड मास्क भी लेना और वो हमें लास्टली ये बोल रहे हैं कि डोंट फर्गेट टू तो विजिट द अहोम पैलेसेस हमारे यहाँ के पैलेसेस को विजिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा द थर्ड सिस्टर और द थर्ड स्टेट मेघालय हेलो फ्रेंड्स आई एम द अबोर ऑफ क्लाउड्स मेघालया my capital city shillong is called scotland of the east because of its highlands fog and scenery my people speak english khasi nar and garo i am overwhelmingly beautiful and everything here is impossibly green and alive the rolling mists in the valleys the undulating hills numerous lakes waterfalls caves sacred forests and exotic flora and fauna are fascinating हेलो फ्रेंड्स मैं तो क्लाउड्स का होम हूँ अबोर्ड मीन्स रेसिडेंस तो मैं क्लाउड्स का रेसिडेंस हूँ मेघालय क्योंकि मेरे यहाँ बहुत बारिश होती है मेरा कैपिटल शिलोंग है एंड उसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट का नाम दिया गया है क्यों दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत हाईलैंड है हाईलैंड क्या होते हैं माउंटेनियस एरिया एंड यहाँ पे फॉक भी होता है लाइक स्कॉटलैंड मेरे यहाँ के लोग इंग्लिश खासी नाड़ एंड गारो लैंग्वेजेस बोलते हैं I am overwhelmingly beautiful. Overwhelming means great in amount. तो मैं बहुत ज्यादा beautiful हूँ And मेरे यहाँ के सारे plants and forests greenery से भरे हुए हैं The rolling mists in the valleys. अब rolling mists क्या होते हैं कोहरा या fog type जो होता है जो पूरा धुआं type होता है तो valleys का वो चीज the undulating hills. Undulating क्या है wave like pattern. तो hills कैसे triangular shape pattern create करते हैं ऐसे shape के हिल्स होते हैं तो वो अंडुलेटिंग हिल्स न्यूमरस लेक्स बहुत सारी लेक्स वाटरफॉल्स केव्स, सेक्रेट फॉरेस्ट सेक्रेट फॉरेस्ट क्या होते हैं फॉरेस्ट जो पर्टिकुलर कल्चर के लिए बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं तो उसे सेक्रेट फॉरेस्ट बोलते हैं एंड एक्सॉटिक फ्लोर एंड फोना आर फैसिनेटिंग एंड मेरी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने मिलेंगे यहाँ पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है फैसिनेटिंग मीनस इंटरेस्टिंग झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इवन टूडे

शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होता है जिसमें ट्रीज को जलाकर कर सॉइल से मिक्स करके क्रॉप उगाते हैं और जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो लैंड छोड़ करके दूसरे लैंड पे कल्टीवेशन करने चले जाते हैं मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अमाउंटेन्स है विद स्ट्रेचेस ऑफ वैली एंड हाई दूर दूर तक जो वैलीज फैली हुई है स्ट्रेचेज मीन दूर दूर तक दूर दूर तक वैली एंड हाई लैंड प्लेटोज दिखेंगे आपको द रॉक फॉर्मेशन कंटेन्स रिच डिपोजिट रॉक फॉर्मेशन क्या यहाँ पर जो भी रॉक्स है उनमें काफी अमाउंट में कोल है लाइम स्टोन यूरानियम एंड सिलिमिनेट मिनरल्स मिलता है आई हैव मेनी रिवर्स मेघालय में बहुत रिवर्स है प्लीज कम टू सी चेरापुंजी और मोसिन रॉम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ यू कैन इंजॉय द फॉरेस्ट एंड सीक्रेट रूव्स येरापुंजी तो जरूर विजिट करने आइएगा जो पूरे वर्ल्ड में वेटेस्ट प्लेसेस में से एक है hake forests or religious groves kopijosak. I boast of several national parks and wildlife sanctuaries. Friends, you would be amazed to see the Kremliat Pra which is the longest cave, and Singrang Pamiang, which is the deepest cave. You can enjoy the panoramic view of Bangladesh from here. Do come to this pine fresh mountain state during the Wangala festival in autumn. मैं बहुत प्राइड के साथ कह सकता हूँ बोस्ट मीन्स टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड बहुत ज़्यादा प्राउडली कहना तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ बहुत नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं फ्रेंड्स आप लोग तो लॉन्गेस्ट केव एंड डीपेस्ट केव सिनरेंग पैम देखकर तो सरप्राइज ही रह जाओगे अमेज मीन्स सरप्राइज यहां से बांग्लादेश को भी अच्छे से देख सकते हैं आप Panoramic means wide view, तो से बांग्लादेश बहुत दूर दूर तक अच्छी तरह से दिखता है डू कम टू दिस पाइन फ्रेश माउंटेन स्टेट ड्यूरिंग तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हाई mountains है जो पूरे पाइन trees से भरे हुए हैं कवर है पूरे तो ये स्टेट में जरूर आना कौन से टाइम पे वंकाला फेस्टिवल में ऑटम में मणिपुर हे आई एम Manipur hey, the जूल्ड लैंड I am proud to be the jewel of my mother India. I am also known by my nicknames नेम्स कंगली पाग एंड सनाली मैं फोर्थ सिस्टर हूँ मणिपुर एंड मैं ज्यूल्ड लैंड ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी फेमस हूँ क्योंकि मैं नाइन हिल्स से सराउंडेड हूँ पूरी तरह से और मैं बीच में ओवल शेप्ड वैली पे हूँ मुझे अपने निकनेम से भी जाना जाता है क्या है निकनेम्स नेम्स कंगली बाग एंड सनाली बाग माई कैपिटल इज इम्फल वेयर यू कैन सी द साइक्लिस्ट वेलोड्रोम मैनी ऑफ माई पीपल बिलोंग टू द मीटी एथनिक ग्रुप एंड स्पीक मीटी और मनीपुरी लैंग्वेज आई हैव द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोलो टू द यूरोपियंस मेरा कैपिटल क्या है इम्फल है जहाँ पर आप साइक्लिंग के ट्रैक भी देख सकते हैं वेलोड्रोम मीन्स अट्रैक डिजाइन फॉर साइक्लिंग आप साइक्लिंग का ट्रैक भी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे यहाँ के काफी लोग मीटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं मनीपुरी या मीति लैंग्वेज बोलते हैं आई हैव द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोलो टू द यूरोपियंस मैंने यूरोपियंस को पोलो गेम्स इंट्रोड्यूस किया था माई पीपल्स स्टेपल डाइट कंसिस्ट ऑफ राइस फिश लार्ज वराइटीज ऑफ लीफी वेजिटेबल्स बोथ एक्टिक एंड टेरिस्ट्रियल बट आई क्यूजीन इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द यूज ऑफ वेरियस एरोमेटिक हर्ब्स एंड रूट दैट आर पिक्यूलर टू माई स्टेट यहाँ के लोगों की डाइट बेसिकली क्या है राइस फिश लीफी वेजिटेबल्स ये सारी चीजें होती है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल पानी के भी एज वेल एज लैंड के भी बट हमारे यहाँ की क्यूजिन रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी के इंडिया वालों से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि हम अपने डिशेस में क्या यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के हर्ब्स यूज करते हैं और रूट्स जो हमारे स्टेट का स्पेशल है पेक्यूलर मीन्स पर्टिकुलर या स्पेशल तो हमारे स्टेट के जो स्पेशल एरोमेटिक हर्ब्स हैं और जो रूट्स हैं उसका इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग वराइटी ऑफ फ्लोरा एंड आई एम होम टू होस्ट ऑफ रेयर एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल लाइफ अ ट्रीट फॉर द आईज इज दबुल नेशनल पार्क एंड अबोर ऑफ द रेयर एंड एनडेंजर स्पीशीज ऑफ ब्रो एंटल डयर दिस इकोसिस्टम कंटेन्स सेवनटीन रेयर स्पीशीज ऑफ मैमल्स

देखने मिलेंगे जो रेयरली कहीं पे देखने मिलते होंगे आपको अ ट्रीट ऑफ द आइज इज कीबुल नेशनल पार्क एंड अबोर्ड ऑफ द रेयर एंड एंडेंजर स्पीशीज ऑफ ब्रो एंटलर डियर कीबुल कीबुलमजाव नेशनल पार्क का व्यू बहुत अमेजिंग है जहां पर रेयर एंड एंडेंजर्ड बो एंटलर डियर्स भी देखने मिलेंगे एंडेंजर्ड मीन्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले जो खत्म होने वाले हैं उनका नामो निशान मिट जाने वाला है दुनिया से तो उसको नेशनल पार्क्स में रखा जाता है अलग से ताकि उसको दूसरे एनिमल्स या लोग हंटिंग करके उसको नुकसान ना पहुंचा सके और दूसरे लोग उसको देख सके उसके बारे में दूसरे लोग स्टडी कर सके वाइल्ड लाइफ वाले लोग तो उससे अलग रखा जाता है यहाँ पर आपको सेवेंटीन रेयर स्पीशीज ऑफ एमल्स देखने मिलेंगे सत्रह तरह के अलग अलग रेयर स्पीशीज जो है मैमल्स के आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड यू शुड कम टू सी द लोकताक लेक एंड फ्लोटिंग आइलैंड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर आप लोकताक लेक एंड फ्लोटिंग आइलैंड जरूर देखने आए अब मणिपुरी डांस इज वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड क्लासिकल डांसिस ऑफ इंडिया द फोक डांसेस ऑफ ट्राइबल पीपल कैप्टिवेट द बिहोल्डर्स विद द एग्जॉटिक कॉस्ट्यूम्स

जो लोग इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और जो रिदम पे वो लो लोग डांस करते हैं तो वो लोग का फोक डांस देख के तो आप देखते ही रह जाओगे थैंकता एंड सरित सरक मार्शल आर्ट देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप अगर आप मणिपुर विजिट करते हैं तो मिज़ोराम द फिफ्थ सिस्टर और द फिफ्थ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेलो आई एम मिज़ोराम मिजोराम एम्प्लाइज लैंड ऑफ द हिल पीपल रिफर्ड टू एज द कुकीज़ I invite you to see my land of lush hills, sheer cliffs, serene lakes and waterfalls. Rolling hills stretch across hundreds of miles and the plains and valleys are covered with lush forests and thick bamboo groves, green paddy fields, vineyards teeming with diverse wildlife. My regret is that not many of you come to visit me. Well, travelling in Mizoram is a little difficult but it has its own rewards. The natural beauty here is exquisite and must be seen to be believed. तो ये सिस्टर कह रही है हेलो मैं मिज़ोराम हूँ जिसे लैंड ऑफ द हिल पीपल एंड कुकीज भी कहा जाता है मैं आपको अपने यहाँ के लश ग्रीन हिल्स क्लिफ्स एंड लेक्स एंड वाटरफॉल्स देखने को इनवाइट करती हूँ रोलिंग हिल्स जो जेंटली स्लोप्ड होता है वो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक दूर दूर तक फैला हुआ है एंड प्लेन्स एंड वैलीज ग्रीनरी से भरी हुई है जिनमें थिंग बैम्बूज भी ग्रो हुए हैं ग्रीन पैरी लीवस वाइन यार्ड्स टीमिंग विथ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ पैरी फील्स क्या होता है जिनमें पानी भरा होता है फील्स में उसे पैरीफी बोलते हैं वाइन यार्ड्स और फुल विथ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ ये सारी जगहों पर आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे मुझे बहुत बुरा लगता है रिग्रेट मीन्स फीलिंग सैड एंड डिसअपॉइंटेड तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मुझे मिलने नहीं आते हो आप मेरे यहाँ आते नहीं हो विजिट नहीं करते हो मेरे प्लेस पर मिजोरम में ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट उसके अपने ही फायदे हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलीकेट तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है एंड ये चीज़ यहाँ आकर ही यकीन कर सकते हैं आप माई कैपिटल इज एजॉल एंड फ्रॉम इट्स इट्सनिक लोकेशन यू कैन गेट अ कैप्टिवेटिंग व्यू ऑफ लश एमरॉल्ड लॉन्ग रिवर वैली इन द वेस्ट एंड तुय रिवर वैली इन द ईस्ट द म्यूजियम इन द हार्ट ऑफ द सिटी जरकॉट पोटरे इज द कल्चर ऑफ मिजोराम विद अ स्पलेंडेड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर्टिफेक्ट एंड हिस्टोरिकल रेलिक्स मेरा कैपिटल एजॉल है एंड यहाँ के लोकेशन से आपको इंटरेस्टिंग व्यू दिखेगा ग्रीन लॉन्ग रिवर वैली जो वेस्ट में है एंड तुरेल रिवर वैली जो ईस्ट में है द म्यूजियम इन द हार्ट ऑफ द सिटी जरकॉट पोटरे इज द कल्चर ऑफ मिजोराम विद स्पलेंडेड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर्टिफैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल रेलिक्स तो जो जरकॉट म्यूजियम है यहाँ के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं कैसे यहाँ पर बहुत इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स देखने मिलेंगे आर्टिफैक्ट्स देखने मिलेंगे और हिस्टोरिकल रेलिंग्स मीन्स हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी आपको ये म्यूजियम में द पलक लेक इज द बिगेस्ट इन मिजोराम एंड कवर्स थर्टी हेक्टेयर्स विच इज सेवेंटी फोर एकर्स Do you know that it is believed that the lake was created as a result of an earthquake or a flood? Champhai with its fertile vineyards is known as the fruit bowl of Mizoram. I am also host to numerous species of birds, wildlife and flora. You can visit the two national parks and six wildlife sanctuaries here. Palak Lake Mizoram biggest lake hai and ye 74 एकर्स तक का फैला हुआ है जो थर्टी हेक्टेयर्स भी कन्वर्ट करके कह सकते हैं तो थर्टी हेक्टेयर्स या सेवेंटी फोर एकर्स तक फैला हुआ है क्या आपको पता है कि यहाँ पे माना जाता है कि ये लेक कैसे बनी अर्थक्वेक या फ्लड के वजह से ये लेक क्रिएट हुई थी चम्फाई मिजोरम का फ्रूट बॉल माना जाता है तो चम्फाई प्लेस मिजोरम के लिए फ्रूट बॉल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप के अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो इसलिए फ्रूट बॉल माना जाता है प्लेस को हमारे यहाँ बहुत स्पीशीज़ है बर्ड्स की एनिमल्स की एंड प्लांट्स की आप यहाँ के सिक्स नेशनल पार्क्स एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी विजिट कर सकते हैं आकर मीज़ो इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मीज़ो है एंड ये लैंग्वेज काफ़ी इस्तेमाल की जाती है काफ़ी यूज़ की जाती है द दिक्सत सिस्टर द दिक्सत स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया नागालैंड हेलो आई एम नागालैंड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट यर वी अ लैंड ऑफ फोकलोर पास डाउन थ्रू जेनरेशंस विद इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ द एक्सक्विज़िटली पिक्चरिस्क लैंडस्केप्स द वाइब्रेंटली कलरफुल सनराइज एंड सनसेट लश एंड वर्ड फ्लोरा मेक माई लैंड अन इमेजिनेबली तो ये सिस्टर कह रही हैलो मैं नागा लैंड इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट्स में से एक मुझे ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है हमारे पास्ट जनरेशन से हमको जो ट्रेडिशनल चीज़ें मिली है उनमें से एक म्यूजिक है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का द एक्सक्विजिटली पिक्चरस्क लैंडस्केप यहाँ की एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल सीनरी कलरफुल सनराइज एंड सनसेट एंड यहाँ की ग्रीनरी मुझे काफ़ी ब्यूटिफुल कर देती है मेक्स माई लैंड अनइमेजिनेबली इमेजनेबली ब्यूटिफुल तो इतना ब्यूटीफुल कर सकती जितना आप सोच भी नहीं सकते द स्टेट कैपिटल इज कोहिमा द स्टेट इज मोस्टली माउंटेनियस माउंट सरामती इज़ द हाइस्ट पीक विद द हाइट ऑफ अबाउट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स एंड इट्स रेंज फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर बिटवीन नागालैंड एंड बर्मा तो सिस्टर क्या कह रही है मेरा कैपिटल कोहिमा है और ये स्टेट माउंटेनियस है एंड माउंट सरामती हाइएस्ट पीक है जिसकी हाइट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स है तो जैसे कि इसकी हाइट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स है तो ये नेचुरली एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है बिटवीन इंडिया एंड म्यंमार बर्मा को अब म्यंमार बोला जाता है ऑफिशियली देर आर ओवर सिक्सटीन ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स दैट इन्हेबिट माई एक्सॉटिक हिल स्टेट ईच विथ इट्स ओन यूनिक कलरफुल एंड इंट्रिकेटली डिजाइन ज्वेलरी एंड That adorn them. Today, many of my young people have ventured into fashion designing, creating fabrics that blend our traditional motifs with modern appeal. So much so, I have become a paradise for those who are into fashion designing. People refer to me as an affluent fashion station of the East. The sister carry ke 16 tribes and sub tribes Each of them have their colorful and intricate costume. Intricate means detailed. तो सबके पास अपने colorful और detailed costumes है jewelry है beads है जिनसे वो और भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं Adorn means make something more beautiful and attractive. तो ये सब चीजों की वजह से वो और भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं आज बहुत से young people मेरे state के fashion designing के field में चले गए हैं एंड वो लोग ऐसे फैब्रिक्स बनाते हैं ऐसे कपड़े बनाते हैं जिनमें हमारी ट्रेडिशनल मोटिवस मोटिवस क्या अ डेकोरेटिव इमेज इन अ पैटर्न तो वो ऐसे मोटिव्स बनाते हैं जिनमें हमारा ट्रेडिशन झलकता है एक मॉडर्न अपील के साथ एक मॉडर्न लुक के साथ बनाते हैं तो जो लोग फैशन डिजाइनिंग में है वो लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई हूँ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हूँ लोग मुझे ईस्ट इंडिया का फैशन स्टेशन मान चुके हैं माई लैंड इज एन आइडल प्लेस फॉर ट्रैकिंग रॉक क्लाइंबिंग जंगल कैंपिंग एंड ऑफर्स लिमिटलेस एक्सप्लोरेशन पॉसिबिलिटीज इन इट्सलैश एंड वर्डेंट सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यर वी हैव एन अबेंडेंस ऑफ मेडिशनल हर्ब्स टू मेरी प्लेस एक बेस्ट जगह है ट्रैकिंग के लिए रॉक क्लाइंबिंग के लिए कैंपिंग के लिए एंड इतने घने ग्रीन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए जहां पर एम्पल क्वान्टिटी एबेंडेंस मीन्स इन लार्ज क्वान्टिटी तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको मेडिशनल हर्ब्स भी यहाँ पे मिलेंगे आई एम नोन एज द फोल्किन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड द ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्थ फाउंड ईयर मैं फोल्किन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानी जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फलकन आपको देखने मिलेंगे द ग्रेट इंडियन हॉर्न बेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स ईर द ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल जो है यहाँ की फेमस बर्ड्स है यहाँ पर पाई जाती है Nagas by nature are lovers of fun and frolic and here life is one long festival dance and songs are a part and parcel of all our festivities most of our dances are performed with a robust rhythm if you love a colorful life and appreciate ethnic customs and traditions with their unique songs dances and festivals you must come to a Naga heritage village which showcases our cultural heritage

अगर आपको कलरफुल लाइफ पसंद है एंड आप एथनिक कस्टम्स एंड उनके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हो उनके सॉन्ग्स डांसेस एंड फेस्टिवल्स के साथ तो आपको नागा हेरिटेज विलेज जरूर विजिट करना चाहिए जो उनके कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताता है हमारे यहाँ के ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल में जरूर पार्टिसिपेट करना डू कम एंड पार्टिसिपेट इन अवर ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल द सेवन सिस्टर एंड द लास्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्रिपुरा हेलो आई एम त्रिपुरा द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री बॉर्डर्ड बाई बांग्लादेश टू द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट हेलो मैं त्रिपुरा हूँ थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट हूँ इंडिया की जो बांग्लादेश से तीन साइड से बॉर्डर्ड है कौन सी तीन साइड नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट से बांग्लादेश से बॉर्डर्ड है ये स्टेट त्रिपुरा मीनिंग थ्री सिटीज त्रिपुरा आल्सो मींस नियर वाटर सम स्कॉलर्स आल्सो बिलीव दैट द लैंड वाज रूल्ड In ancient times, by a king named Tripur, from whom my name emerged. Tripura का मीनिंग है three cities, and इसका मीनिंग नियर water वॉटर भी है कुछ scholars लोग यू नो जिन्हें बहुत नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होती है वो कहते हैं कि बहुत टाइम पहले इस प्लेस को एक त्रिपुर नाम के किंग रूल करते थे जिनकी वजह से ये स्टेट का नाम त्रिपुरा है माई लैंड हैज थ्री डिस्टिंग जोग्राफिकल जोन्स फर्स्ट द हिल रेंजेस विच रन फ्राम नॉर्थ टू साउथ सेकेंड द अनडोलेटिंग प्लेटो लैंड एंड थर्ड द लो लाइंग एलोवियल प्लेन्स तो मेरी लैंड थ्री अलग अलग जोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड की गई है पहली जोन कौन सी है द हिल रेंजेस विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो सीरीज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो उसे हिल रेंजेस बोलते हैं जो स्टेट के नॉर्थ टू साउथ तक का फैले हुए हैं पूरा सेकेंड द अनडोलेटिंग प्लेटोलैंड अब हम लोग ने ऊपर पढ़ा था वेव लाइक पैटर्न तो अंडोलेटिंग प्लाटोलैंड प्लेटोलैंड वेव लाइक दूर दूर तक फैले हुए थर्ड इज द लोअ लाइंग एलोवेल प्लेस अब एलि प्लेन्स क्या होते हैं तो रिवर्स जो अपने साथ छोटे छोटे रॉक्स है और सेडिमेंट जो अपने साथ लेकर के ट्रैवल करते हैं वो जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एलि प्लेन्स उसको बोलते हैं तो लोअ लाइंग एलि प्लेन्स थर्ड जोग्राफिकल जोन है ये स्टेट का

यहाँ पर राइस कॉटन जूट टी टोबैको एंड ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं द कोकबोरोक स्पीकिंग ट्रिपुरी पीपल आर द मेजर ग्रुप अमंग द मेनी ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स बेंगोली एंड मणिपुरी पीपल हैव को एग्जिस्टेड इन पीसफुल हार्मनी विद द पीपल ऑफ त्रिपुरा फॉर जनरेश बहुत सब ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स में से कोकबोरोक बोलने वाले त्रिपुरा पीपल मेजर ग्रुप फॉर्म किए हैं बेंगॉल एंड मणिपुर के लोग यहाँ पर पीसफुली रहते हैं त्रिपुरा पीपल के साथ बहुत टाइम से आई एम राधा डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेस बिकॉज ओनली वन मेजर रोड और नैशनल हाईवे कनेक्ट माई लैंड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री अगरताला इज माई कैपिटल सिटी पीपल कम टू विजिट मी फॉर इको टूरिज्म एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म माई लच टी गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड माई स्पेशली सेटअप इको पार्क आर अ ग्रेट अट्रैक्शन एज आर देमस रॉक कावतम द नीर महल इज दॉजेस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस एम टी पश्चिमिंग ऑन इट्स ओन आईलैंड इन द लेक ऑफ रुद्र सागर मुझे आपसे कनेक्ट होने को थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि सिर्फ एक ही मेजर रोड एंड नेशनल हाई वे है जो मुझे बाकी की रेस्ट ऑफ इंडिया की कंट्री से जोड़ करके रखता है अगरताला मेरी कैपिटल सिटी है लोग मुझे विजिट करते हैं इको टूरिज्म के लिए अब इको टूरिज्म क्या होता है ऐसी टूरिज्म जहां पर हमें रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करना पड़ता है वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स को देखने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म जिसमें कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स नीडेड है मेरी ग्रीन टी गार्डन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्पेशली बनाए हुए इको पार्क एज वेल well एज देवोरा का फेमस रॉक कार्विंग्स अट्रैक्ट करता है लोगों को नीर महल एक ब्यूटीफुल रेड एंड वाइट कलर का पैलेस है सराउंडेड बाय वाटर जो चमकता रहता है रोदर सागर की लेक में पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन स्टेट फेस्टिवल्स लाइक गरिया दुर्गा पूजा बुद्ध पूर्णिमा खर्ची, पौष संक्रांति बिजू और क्रिसमस हर कम्युनिटी एंड ट्राइब के लोग हमारे स्टेट फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ फेस्टिवल्स उनमें से है गरिया दुर्गा पूजा बुद्ध पूर्णिमा करछी पौ संक्रांति बिछू और क्रिसमस एक्सेट्रा तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जिनमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये सारे स्टेट फेस्टिवल्स हैं कम एंड विजिट मी यू विल बी फैसिनेटेड बाय माय रिच कल्चरल हेरिटेज ब्यूटिफुल पैलेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिस्टोरिकल टेम्पल्स पैलेसेज एंड म्यूजियम्स माई फोक डांसेज विल एंथ्रॉल यू एंड माई पीपल विल वेलकम यू विद वॉम्प एंड कर्टिस आप आइए और आकर मुझे विजिट करिए आप मेरे रिच कल्चरल हेरिटेज ब्यूटीफुल पैलेसेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिस्टोरिकल टेम्पल्स पैलेसेस एंड म्यूजियम्स में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे फोक डांस में आपको बहुत इंजॉयमेंट आएगी बहुत मजा आएगा एंड हमारे पीपल आपको पोलाइटली और वार्मली वेलकम करेंगे माई पीपल विल वेलकम यू विथ वाम एंड कर्टिस तो बहुत पोलाइटली और वाम के साथ आपको वेलकम करेंगे अगर आप हमारे स्टेट विजिट करेंगे तो With दिस वी आर डन studying द सेवन सिस्टर्स और the स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम ये सातों स्टेट्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े उनके खाने के बारे में उनके रहने के बारे में उनके नेचर के बारे में स्पेशली और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं कौन कौन से पार्कस हैं कौन कौन से नेशनल पार्कस हैं कौन कौन सी चीज़ें हर एक स्टेट की फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़े उनके हिली रीजन माउंटेनियस रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े और हमें ये सारे स्टेट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल चुकी है तो आई होप कि ये इतने ब्यूटीफुल जो इंडिया के स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमें कम ही पता था इसके वजह से ये चैप्टर में हमें हर एक स्टेट के बारे में डिटेल में बताया गया है तो आई होप कि आप अगली समर वेकेशन इनमें से कोई एक स्टेट में जा के बिताएंगे एज अ वेकेशन तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा कि हमारा जब भी चैप्टर एंड होता है तो हम लोग एक लिंक के बारे में बात करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है वो लिंक एक्चुअली एक टेस्ट होता है जो इसलिए दिया जाता है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझा है या नहीं तो ये चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ये देखने के लिए कि आपको ये चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है आपको क्या करना है सिर्फ आपको तीन स्टेप्स स्टेप स्टेप फॉलो करने हैं पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक को फाइंड करिए स्टेप है, वो लिंक मिलने पर उस पर क्लिक करिए तो आपको टेस्ट मिलेगा टेस्ट के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िए और जो भी आपने इस चैप्टर में समझा है उसके हिसाब से आंसर्स फिल करिए और उसे सबमिट करिए थर्ड स्टेप यही है कि सबमिट करने के बाद आपको वहां पर स्कोर दिखेगा आप वो स्कोर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए जितना भी मार्क्स आपको मिला है आप वो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अगली वीडियो प्रिपेयर करने के वक्त हम पुराने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के रैंडमली कोई भी एक स्टूडेंट को पिकआउट करेंगे जो फुल मार्क्स स्कोर किया है आई होप वो स्टूडेंट आप ही हो राइट इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर स्टोल सू ओके okay स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ स्कूल और ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और राइट है